धरना मेंढर सब डिवीजन के गांव मेंढर के चेयरमैन चौधरी मीर मोहम्मद और सीनियर नेता चौधरी गुलाम नबी की अध्यक्षता में मेंढर सब डिवीजन के अलग अलग ब्लॉक से दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव 2024 में मेंढर की जनता से आपसी सलाह मशवरा करके एक भरोसेमंद नेता का चुनाव करना था। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उन्हें आज तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उन्हें वादों और आराम से कोई लेना देना नहीं, निर्माण और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर अपनी सलाह से सम्मानित करते हुए चौधरी गुलाम नबी ने कहा, हम जल्द ही इंशाल्लाह लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे। वे लोगों के पक्ष में जो भी फैसला लेंगे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। अमरजीत सिंह पूंछ की रिपोर्ट। आपने एक ही दिन में उस जज्बात का एहसास का मुजाहरा किया है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं एक उम्मीद रखता हूं यही जज्बात अगर नौजवानों में जिंदा रहे तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो कोई ऐसा मैदान नहीं जो हम फतह ना कर सकेंगे, वो कोई ऐसा नहीं जो हम जीत न सके। पावर हम की है, सभी ने कहा कि आप मुझ पर यह कौन सा गया के फैसला करना है, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं कौन होता हूं? मैंने फैसला आपसे कराना है और मुझे आपने इस थोड़े से अरसा में आजमाया भी है कि जो भी आदमी खस्ता हालत में मेरे पास आया, अगर रात को 12 बजे आया तो मैं उसी वक्त उसके लिए हाजिर रहा। ये वादा सामी इस चीज के गवाह हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी को इनकार किया हो। मुझे एक बात याद आ गई, कुछ लोग मेरे पास आए, काफी लोगों के पास गए, मायूस होकर लास्ट में मेरे पास आए तो वो कहने लगे, हमने वोट आपको नहीं दिए थे लेकिन हमारा ये मामला है तो हम बड़े परेशान और मजबूर होकर आपके पास आए हैं। मैंने कहा, यार मैंने आपसे पूछा है कि वोट किसको दिए, या तो नालायक लोगों का काम है जो वोट के लिए पूछे, ये आप किस प्रकार वोट दे सकते हैं? रहा मसला इस गर्दो गायब के लिए आज हम जमा करते हुए, एक मिसावत करनी थी। अभी थोड़ा सा कबल वक्त है कि आज हम इस मीटिंग में कोई फाइनल फैसला ले लें। हम चाहेंगे कि आपकी ही मिसावत से फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये 2-4 दिन के बाद, क्योंकि कहते हैं देर आए तो दुरुस्त आए। हमें वो एमएलए नहीं चाहिए जो आपके फंड लूटे, हमें वो एमएलए नहीं चाहिए जो गरीबों के हक पर डाका डाले, हमें वो एमएलए चाहिए जो डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर हमारे सामने आए, हमारा सहयोग उसके साथ होगा। इंशाअल्लाह हाजिर रहूंगा और मैं उसको ठोक बजाकर कहूंगा कि ऐसा ना हो कि आप जब कामयाब हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि साफ सोए हुए आपको 24 घंटे मेरी आवाज का काम करना है। ये सिर्फ 5 साल तक जो इन्होंने आपकी रोटी देखी है उसके लिए ये एक महीने बन गया, उसके लिए आप कुछ नहीं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, हमारा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ बिलखसूस अगर आप तो ठंडे बल की बात करूंगा, बिलखसूस मैं पंचायत भरतपुर की बात करूंगा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारा गाँव डेवलपमेंट जो है, हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो आपस में
कितना लड़ाई झगड़े करा पाए। हमें वो लीडर चाहिए जो आपस में जुड़े, जो लोगों को बांटे ना, उनके कुटुंबों को आपस में जोड़ के रखे। हमें उस लीडर के साथ चलना है। आज की जो यहाँ पर मीटिंग का इनकार किया गया है, सबसे पहले इंसानी साहब गांधी साहब उनको मैं बहुत मानता हूँ कि हम उनका चेहरे से शुक्रगुजार हैं कि उनने हमें यहाँ पर मीटिंग दिया। आपने अपनी राय और आपने अपनी बात रखने के लिए हमें मौका दिया। इंशाल्लाह हम सभी युवा इनकी जो भी ये फैसला करेंगे, जिनके रसूल का बहुत ज़्यादा रहा, जो भी ये बात करेंगे हम इनके साथ इंशाल्लाह इनकी बात करेंगे। आज ये बड़ी मुख्तसर कॉल थी, चौधरी गुलाम नबी साहब ने ये कॉल दी और तकरीबन 12 से 14 पंचायतों जो मैंने देखे हैं, 12 से 14 पंचायतों के नुमाइंदे मौजूद थे। हर पंचायत से लोग जोक दर जोक आते तो मुश्किल हो जाता, यहाँ समाप्त भी करना मुश्किल हो जाता, उनके इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता, मगर फिर भी हर पंचायत से दो तीन नफर ज़रूर आए हुए थे। तो इन्होंने ये इसलिए किया कि लोगों की मजबूरियाँ बहुत हैं, लोग बहुत परेशान हाल हैं। तो बाबू गुलाम नबी साहब सियासत में भी पेश रहते हैं और लोग इन पर यकीन भी रखते हैं। और इन्होंने ये कहा कि मतलब चलो एक जगह छठ काल पर लोग आ गए और जिसे हमने ये किया कि अपना हमने सब लोगों ने अपने अख्तियार, जितने भी यहाँ मजीन थे सब ने अपना अख्तियार इनको दे दिया कि आप बेहतर फैसला करो, जिससे लोगों की डेवलपमेंट हो, जिससे गरीबों की मतलब गुरबत में अजाला हो। और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है और इसी तरह के डेवलपमेंट के जितने मुद्दे हैं, रोज़गार का मुद्दा है, तो ये सारे मतलब इन पर नज़रसानी करने वाला जो लीडर हुआ उसके साथ हम चलने को तैयार हैं। यही मुद्दा था गुलाम नबी साहब का, जिसलिए इन्होंने कॉल की और जोक दर जोक लोग इतने इकट्ठे होकर तो हर पंचायत से नुमाइंदगी हुई। बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हमने कोई फैसला नहीं किया है, अलबत्ता 2-4 दिन के बाद बाबू गुलाम नबी साहब फैसला करके सबको आगाह कर देंगे और हम उस पर बड़े कारबंद रहेंगे और सारे लोगों ने यही इकरार किया है। आज का ये प्रोग्राम जो कि शॉर्टकट समय में मुनाकिद किया गया, इसमें महेंद्र ब्लॉक से और मनकोट ब्लॉक से भी जी शौर शख्सियात ने शिरकत की और महेंद्र से 12-13 पंचायतों से ज़्यादा पंचायतों से यहाँ पर शख्सियात ने शिरकत फरमाई और मनकोट से भी काफ़ी पंचायतों से लोग आए। था कि सभी लोग परेशानी और बदहाली का शिकार अरसे दराज से हो रहे हैं और लोगों का कहना यह है कि एक मुतफिका तौर पर सभी लोग मिलकर हमारे साथ, हम किसी के साथ सपोर्ट करें जिसका एजेंडा डेवलपमेंट का हो, जिसका एजेंडा बेरोज़गार बच्चों को नौकरियां देने का हो, जिसका एजेंडा स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर करने का हो, अस्पतालों में कंडीशन जो ख़राब है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो काफ़ी डेवलपमेंट की बातें इसमें आती हैं, जो ये सभी डेवलपमेंट के एजेंडे लेकर हमारे सामने आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये एक मीटिंग यहाँ रखी है बाबू गुलाम नबी ने, और चूँकि हर इलाके के लोग ये आज यहाँ आए थे, 4-5 से ज़्यादा पंचायतें हैं जो लोग आए हैं और वो चाहते थे कि यहाँ कोई लायमल बनाया जाए। अब यह है, लोगों ने एक फैसला कर लिया है और वो आकर बाबू गुलाम नबी को उन्होंने कह दिया कि हमारे सब जो अख्तियार हैं आपके पास हैं, आप जिस आदमी को आप जिसके साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ मिलना चाहते हैं मिलें, मगर हमारे वो आदमी होना चाहिए जो इलाके के मफाद के लिए काम करे, वो ना हो जो वोट लेकर 5 साल सोता रहे तो दुनिया परेशान रहे। लोग ये बड़े परेशान हैं
और सब मैंने देखा है कि सागर से लेकर बालाकोट तक जितने लोग हैं वो परेशान हैं, और आज ऐसा आज बच्चे खुदकशी कर रहे हैं, आज एक बवाल पैदा हो गया है कि ये नशे का जो है इसमें लोग रो रहे हैं कि भाई हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े से वक्त में गुलाम नबी साहब ने कुछ काम किया है जिसकी वजह से आज लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और इनके पीछे जो लोग हैं सब इनके साथ हैं। मैं इसे भी खत्म करता हूँ। आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो अजलास हुआ है ये बाबू गुलाम नबी साहब ने नहीं कराया, ये हम लोगों ने जितने लोग यहाँ आए इनने कई अरसा से इनके पीछे पड़े हुए थे कि एक दिन हमारी मीटिंग करो, क्योंकि हम एक ग्रुप एक हमारी एक तंजीम है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे एक तस्वी होती है, तस्वी के साथ जितने मनके होते हैं वो एक धागे में परोए होते हैं, ये लोग जितने हैं एक तस्वी है और तस्वी के मालिक हमने इनको बना रखा है इन सब लोगों ने, और ये सब लोग चाह रहे थे कि एक दिन हमें यहाँ बुलाएं बैठ के ताकि हम अपनी आप को सुनाएं। उसकी वजह यही है कि ये काम करने वाले हैं, लीडर साहब हमने देख लिए आजमा लिए जो काम करने वाले थे, तो अब हमें कोई और कोई चारा नहीं था तो हमने इनको आगे किया, क्योंकि ये लोगों के बहुत काम करते हैं, दर्द दिल रखते हैं, इनके नज़दीक ना कोई पहाड़ी है ना गुज्जर है ना दूसरा कोई है ना हिंदू है ना, ये सब के यकसां काम करने वाले आदमी, और इनके इस घराने पूरे के अंदर इनमें ये तफरकाबादी नहीं है जो लोग लीडर बिलखसूस लीडर लोग करते हैं। जो इलेक्शन आता है इलेक्शन के दिनों में गुज्जर लीडर गुज्जर बन जाता है और बरादरी को गुज्जर होने का दावा देता है कि आप गुज्जर हो और गुजरी खतरे में है या हमारी सीट खतरे में है, पहाड़ी जो है वो पहाड़ी बन जाता है अपने पहाड़ियों को कहता है। तो एक ऐसा एक घराना है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा से इनके साथ मुंसलिक हूँ और हमने बहुत नज़दीक से इनको आजमाया हुआ है, ये ऐसा घराना है जिनके नज़दीक ना ये गुज्जर है ना पहाड़ी है, ये सब इन सबसे ज़्यादा इनमें यही है कि इंसान है और सब इंसानों की ये कदर करने वाले हैं, इसलिए हम सब ने मिल के इनको ये फोर्स किया कि एक दिन हमें बुलाएं। ये कतराते थे कि यार मेरे इधर इतना ये हाल छोटा सा है, मेरे पास 50x30-40 का ऐसा तो मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, हमने कहा जी हम ज़्यादा नहीं आएंगे, कम से कम एक एक आएंगे तो अभी चलो हमारी बात तो सुनो, तो आए आपने इसके अंदर आपने देखा होगा जितने लोग इस हाल के अंदर थे इसके दो गुना इसके बाहर थे और छत पूरा भरा हुआ था, जो मेरे ख्याल में आपने कैमरा उधर पता नहीं घुमाया यार देखा होगा। तो इन सब लोगों की यही राय है कि इससे पहले भी हम जात पात में लोगों ने हमको बटाया हुआ था और डेवलपमेंट का नाम नहीं था, हमारी हालात देखें हमारी सड़कें देखें, अब जिनको 10-10 साल पहले ब्लैक टॉप हुआ और आज वो खड्डे में तब्दील हो रखी हैं, हमारे स्कूल देखें बैठने के लिए बच्चों के जगह नहीं है, बच्चों के बैठने के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब हॉस्पिटल के अंदर जाएं बहुत सारी मतलब डॉक्टर की पोस्ट असामियाँ जो हैं वो खाली हैं, बहुत सारे औजार जो आज हमको चाहिए वो नहीं है, हमारा एनेस्थीसिया डॉक्टर यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मद्देनज़र रख के हमने इनके पास आए हैं और अपनी रुदाद इनको सुनाई और हमने अपने आप सब ने जितना भी है उनने ये फैसला किया है कि हम सब अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं। आपको ये देखना है कोई अच्छा सा आदमी देखे जिसको हमारी सपोर्ट से ताकि वो बने भी और लोगों को खिदमत करे, ऐसा ना हो कि ऐसे चोर चके को के साथ चलें ना इससे पहले हुआ और ना इसके बाद हो। तो इसके अलावा इंशाल्लाह इन्होंने कहा मैं एक दो दिन में बैठ के फिर इसके बारे में सोच के फिर इंशाल्लाह कोई फैसला करेंगे और जो फैसला होगा वो इंशाल्लाह अवाम के हक में होगा और आपको भी इसके मुतलाक किया जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेंढर के अंदर मैं समझता हूँ मेंढर की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा तारीखी इजलास था, मुशावरती इजलास, ये शायद मेंढर में पहली बार हुआ है इस तरह का। आपने देखा इतना जम्मे गफीर था, तकरीबन 15 पंचायतों से ज़्यादा लोग यहाँ पर एक मुख्तसर सी काल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सभी मुकर्ररीन बता चुके हैं इसका मेन मकसद क्या था कि हम कम अज़ कम जहाँ भी चलें मुत्तफ़िका तौर पर एक अपने लीडर की आवाज़ पर जो भी वो फ़ैसला करेंगे वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं, ये एक सिर्फ मशवरा किया है अभी फ़ैसला नहीं किया है। आज मशावरत हुई है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इंशाल्लाह इससे भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करके बाबू साहब गुलाम नबी साहब और हमारे जितने भी मौजूदीन आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो बिल्कुल फ़ैसला करेंगे और ऐसा फ़ैसला करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जो आवाम के हक में हो आवाम के मफाद में हो, मेंढर की तामीर और तरक्की के हवाले से, यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से और
दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुख्तसर लफ्ज़ों में नहीं समेटा जा सकता। मैंने पहले भी ये बात कही इजलास में भी और अब भी ये बात कहता हूँ, आप लोगों के तवस्सुत से तमाम लोगों तक ये आवाज़ जाएगी। हम ये चाहते हैं, हमारी आवाम का ये जो रुझान है, हम लीडर ऐसा चाहते हैं कि जो जिस तक आवाम की रसाई हो सके, गरीब से गरीब आदमी भी जाकर अपना काम करवा सके। ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले वो हमारे घरों पे दस्तक दें और इलेक्शन के बाद जब गरीब लोग अपने काम करवाने के लिए उनके दरवाज़ों पर जाएं तो घंटों उन्हें इंतज़ार करना पड़े या ज़िल्लत और रुसवाई का उन्हें सामना करना पड़े। हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत नहीं है, हमें वो लीडर चाहिए जो तहे दिल से और जज्बा इसार के साथ, खलूस के साथ आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों। इंशाअल्लाह चौधरी गुलाम नबी साहब, उनकी पूरी टीम और हम सब मिलकर आइंदा दो तीन दिनों के अंदर अंदर ये फ़ैसला करेंगे कि हम किस लीडर को इंशाअल्लाह ताला उसके सर पर जो है वो ताज जो है कामयाबी का रखेंगे। या आने वाले दिनों में फ़ैसला, यहाँ की आवाम को, मेंडर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो एक बेदारी आई है, सियासी बेदारी, एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो है ये तहरीक सामने आई है, जो इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक प्रेशर ग्रुप का काम करेगी। सभी मेंडर की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से अपने अपने इलाकों के अंदर एक मुशावरत करके जहाँ भी जाएं, जिसकी भी आप हिमायत करें, वो सबको साथ लेकर चलें। फ़र्द कायम रबते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरों ने दरिया कुछ भी नहीं। इत्तेफाक ज़िंदगी है, इख्तिलाफ़ मौत है।